नमस्कार, मैं आपके साथ सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एलआर न्यूज 24x7। 3 मार्च को एनडीए के द्वारा संकल्प रैली का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर पटना के जेडीयू कार्यालय में संकल्प रथ का जो रवाना किया गया। इस मौके पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहे और उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी और मैं इतना ही कहूँगा कि आज़ादी के बाद इतनी बड़ी रैली गांधी मैदान में नहीं हुई है, इतनी बड़ी रैली। संकल्प रथ के माध्यम से क्या लोगों को बताएंगे, क्योंकि अभी तो एक ही है कि 3 मार्च को गांधी मैदान आए और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, लोगों नीचे कीजिए सर, रामविलास पासवान का भाषण सुनने आए सर, लोगों नीचे कीजिए सर, और इसी में लोगों का आह्वान किया जाएगा नीतीश कुमार चुनाव के बारे में। इसलिए जो तीनों दलों के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रामविलास पासवान सर, इन तीनों का भाषण सुनने के लोग गांधी मैदान में आए और मुझे उम्मीद है कि 1,00,000 लोग तो केवल पटना शहर के लोग उसके अंदर आएंगे और इसलिए ऐतिहासिक रैली होगी। और वास्तव में हमारे चुनाव अभियान का जो शुरुआत है 3 मार्च से इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से बिहार के सभी लोगों से अपील करूँगा 3 मार्च की संकल्प रैली में लाखों की संख्या में आए और माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता श्री रामदास पासवान का भाषण। तो देखा, साफ रूप से सुशील मोदी ने यह कहा कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने काम किया है, लोगों का विकास के लिए काम किया है, उसको लेकर यह रथ लोगों को बताने का काम करेगा और 3 मार्च को ऐतिहासिक रैली होगी। कैमरा पर्सन संजीव आर्या के साथ सौरभ शर्मा, LR न्यूज 24x7, पटना।